द्रोणाचार्य जी के कुछ शिष्यों को अर्जुन एक आंख नहीं भाता था। वे सोचते थे कि गुरु जी की अर्जुन पर विशेष कृपा है। एक बार द्रोणाचार्य जी अर्जुन सहित अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे स्नान करने गए और एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर बोले, वत्स अर्जुन, मैं अपनी धोती तो आश्रम में ही भूल आया हूँ, जरा ले आ। जी गुरुदेव, कहकर अर्जुन चला गया। गुरु द्रोणाचार्य ने दूसरे शिष्यों से कहा, बाहर के धनुष और गदा में तो शक्ति है, लेकिन मंत्रों में उससे अनंत गुणा शक्ति होती है। मंत्र जाप करते समय उचित विधि और विश्वास के साथ मंत्र का उपयोग करें तो वह अपने मनोरथ में सफल हो सकता है। मंत्र से अभिमंत्रित एक ही बाण से मैं इस वट वृक्ष के सारे पत्तों को छेद सकता हूँ। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने धरती पर एक मंत्र लिखा। एक तीर को इस मंत्र से अभिमंत्रित कर छोड़ दिया। बाण एक एक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया। सभी शिष्य आश्चर्य से उस पेड़ को देखने लगे। बाद में गुरु द्रोणाचार्य और सब शिष्य नहाने चले गए। इतने में अर्जुन लौट आया। उसकी दृष्टि पेड़ के पत्तों की ओर गई। वह सोचने लगा कि इस वट वृक्ष के पत्ते में पहले तो छेद नहीं थे। मैं सेवा के लिए गया तब गुरु जी ने इन शिष्यों को कोई रहस्य बताया है। यदि रहस्य बताया है तो उसका कोई सूत्र भी अवश्य होगा। अर्जुन ने इधर उधर देखा तो धरती पर एक मंत्र के साथ लिखा था, वृक्ष छेदन की सामर्थ्य वाला यह मंत्र अद्भुत है। अर्जुन ने वह मंत्र पढ़ा, ध्यान से धारणा किया और दृढ़ निश्चय किया कि मेरा यह मंत्र अवश्य सफल होगा। अर्जुन ने तीर उठाया और मंत्र पढ़कर छोड़ दिया। वृक्ष के पत्तों में एक एक छेद तो था ही, दूसरा छेद भी हो गया। अर्जुन को प्रसन्नता हुई कि गुरु जी ने उन सबको जो विद्या सिखाई थी वह मैंने भी पा ली। नहाकर आने पर सबने देखा कि पहले तो वृक्ष के पत्तों में एक एक छेद था, अब दूसरा किसने किया? द्रोणाचार्य ने पूछा, दूसरा छेद तुम लोगों में से किसने किया है? सबने कहा, नहीं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने किया है? अर्जुन थोड़ा सा डर गया, किंतु झूठ कैसे बोलता। उसने कहा, मैंने आपकी आज्ञा के बिना आपके मंत्र का प्रयोग इसलिए किया है कि आपने यह विद्या सिखा दी है। फिर आपसे पूछकर मैं अकेला आपका समय नष्ट न करूं, इतना खुद ही सीख लूं गुरुजी, भूल हो गई तो क्षमा करना। द्रोणाचार्य बोले, नहीं अर्जुन, तुम में जिज्ञासा है, संयम है, सीखने की तड़प है और मंत्र पर तुम्हें विश्वास है। मंत्र शक्ति का प्रभाव देखकर ये सब तो केवल आश्चर्य करके नहाने चले गए। इनमें से किसी ने दूसरा छेद करने की सोची ही नहीं। तुमने न केवल हिम्मत की बल्कि प्रयत्न भी किया और सफल भी हुए। तुम मेरे सत्पात्र शिष्य हो अर्जुन, तुमसे बढ़कर दूसरा धनुर्धर होना मुश्किल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम, लगन और जिज्ञासा सफलता की कुंजी है। यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो इनका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।